गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर पी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपको रोज़ इस समय रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो दे रहे हैं हिंदी की, इंग्लिश की या फिर साइंस की, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इन छोटे क्लास की किताबों के चैप्टर के माध्यम से आपको मिल रही है। तो इसी श्रृंखला में आज भी हम आपको बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। क्लास सेवन्थ की बुक है, चैप्टर नंबर 3, और इस कहानी का नाम है बच्चों पैसे का बहकावा। पैसे का बहकावा या पैसे का लालच कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी, इसमें बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर इसमें कहानी है। बहुत ही इसमें कहने का मतलब, इसमें आज के समय की और अतीत के समय की, यानी वर्तमान और भूत, वो बहुत नहीं हो वाह 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 ये वाला भूत नहीं, ये भूत का मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल, अतीत, समझ गया ना, पिछले का समय, पुराने जमाने की बात, अब तो समझ आगे की बात। तो इस चैप्टर में वर्तमान या जो समय चल रहा है, इस समय हम लोग कैसे रहते हैं और पहले लोग कैसे जीवन जिया करते थे, इस बारे में बताया गया है। तो क्या इसमें बताया गया है, पहले ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी कहानी के लिए बच्चों, फिर हम किताब पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि बच्चों हमारे हिंदुस्तान की जो धरती है ना, बहुत ही उत्तम, बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही श्रेष्ठ है। इस धरती पर ऐसी शायद कोई चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं होती है, चाहे अनाज हो, कपड़ा हो, मेवा हो, फल हो, सब्जी हो, खनिज हो, लवण हो, यानी कि सब कुछ हमें धरती से प्राप्त होता है, होता है नहीं। इसके बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, उसका मात्र एक वजह है कि हम लालची हो गए हैं, हम पैसे के बहकावे में आ गए हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे का हाथ बटाते थे, किसी को कोई दिक्कत है तो उसकी तन मन धन से भी सहयोग करते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर किसी का कोई काम पड़ जाए, किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं उसकी मजाक बनाएंगे, कहीं ना कहीं उससे अपना जो मुँह छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर पहले किसी का छप्पर चढ़ाने की बात है तो सब लोग इकट्ठे होकर उसका छप्पर चढ़वा देते थे, है ना। अगर किसी के खेत में कोई काम है, उसके यहाँ काम करने वाले कम हैं, तो सब अड़ोसी पड़ोसी मिलकर उसका काम करवा दिया करते थे। अगर पहले किसी का शादी होती थी तो गांव के ही लोग मिलकर भोजन बना लेते थे, गाँव के ही आसपास की जो माताएँ बहनें महिलाएँ होती थीं, वो सब आपस में खाना बनवा के और पूरा गाँव भोजन कर जाता था प्रेम से नीचे बैठ के। और आजकल तो सिस्टम ही चेंज है, शादी ब्याह की तो बात ही छोड़ो भैया, कहते जाने की इच्छा नहीं करती है, लेकिन मजबूरी है, अब दावत आ गई है तो अब नहीं तो लोग कहेंगे भाई देने के मारे नहीं आए, है ना, बात ये पड़ जाती है। मैं तो कभी जाता हूँ लिफाफा दिया चिपका चुपचाप खिसके चले आए भाई, लेकिन अब नहीं जाओगे तब भी बात ठीक नहीं है। गाँव बस्ती में या समाज में रह रहे हैं तो समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ता है। लेकिन पहले का ज़माना बहुत ही अच्छा था, सुकून में था। पहले कोई भी जो कामगार हुआ करते थे, मान लो बढ़ई है या मोची हैं, नाई हैं, या कोई भी कामगार हुआ करते थे, वो एक दूसरे के खूब काम करते थे। कोई काम होता था बिना पैसे के, पैसे नहीं लेते थे, उनका क्या होता था, वो किसान की खेती पर निर्भर रहते थे। किसान की जब फसल होगी उसमें फसल आएगी, अनाज आएगा, उनका हिस्सा उनको मिल जाएगा। पहले ऐसा होता था। लेकिन अब अगर किसी कह दो कि भैया थोड़ा काम करना है, बोले भाई कितने घंटे का है, बोले यार 2 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, बोले इतने पैसे लेंगे भाई, हाँ वरना हमें भैया टाइम ना, हम जा रहे हैं, चाहे मोबाइल देखते ना खटखट है, शॉर्ट वीडियो है, जाए हुआ आया, ये देखते रहते हैं, लेकिन काम करने तुम्हारी हेल्प करने नहीं जाएंगे। कितना बुरा ज़माना आ गया है। वैसे सही है, तरक्की करना है, मौज मस्ती करना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो संवेदना है, वो कहीं ना कहीं सो गई है बच्चों, उसे जगाने की जरूरत है। इस चैप्टर में यही बताया विनोबा भावे जी ने कि हमें उस संवेदना को, अपने अंदर की जो मनुष्यता है, जो मानवता है, कहीं ना कहीं उसको जगाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसकी जो पटरी है उससे हम हट गए हैं, लीक से हट के काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मनुष्य दुखी है, परेशान है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर में पूरा बताया कि किस तरह से पहले लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे और आज कहीं ना कहीं अपने अपने में सब व्यस्त हैं, एक दूसरे की काटने पर लगे हुए हैं। पहले लोग जोड़ते थे, हेल्प करते थे, सहायता करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केवल और केवल पैसा। कहते हैं पैसा तो सब कुछ है, लेकिन बच्चों पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं कह सकते। मेरे विचार से पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे से आप भोजन ले सकते हो, भूख नहीं ले सकते। पैसे से आप बिस्तर लगवा सकते हो बढ़िया, नींद नहीं ले सकते। बात समझा रही ना। तो पैसा बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं। सब कुछ तो
ईश्वर के भक्ति, दूसरे की हेल्प करने का जो आनंद मिलता है, सबको तो एक तरह से वो माना जाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर सुकून है, चैन है ना, तब वो सब कुछ है उसके पास, समझ लो तब वो उसका जीवन सुखी है। तो यही इस चैप्टर में बताया प्यारे बच्चों। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस कहानी का और सीखते हैं इसकी अच्छी अच्छी बातें। चलिए प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं इस किताब की कहानी को। जैसे कि हमने बताया था अभी कि कितनी सुंदर ये कहानी है, पैसे का बहकावा, कि आजकल दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है, लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं और कितने स्वार्थी हो गए हैं, कितने अपने अपने में लगे हुए हैं, किस तरह से लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। ये पहले क्या पूरी दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जानते हैं इस कहानी में किस तरह से इतनी सुंदर बातें बताई गई। बच्चों बहुत ही सुंदर कहानी है, क्लास 7th की बुक है ये। और बच्चों हम आपको बता दें कि इसी तरह से हम हर क्लास की कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई चैप्टर आपको पढ़ाते हैं रोज़। और छोटे से बड़े क्लास तक का सारा के सारा सिलेबस हमारी कोशिश है कि आपके इस चैनल पर, जो कि RP पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा है, सारा के सारे क्लास का सारे जो किताबें हैं सभी का सारा सिलेबस हमारे इस वीडियो चैनल पर डालने की कोशिश है। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल के साथ में। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कोई दिक्कत आती है उसमें, मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप प्यारे बच्चों ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, लिखकर बताइएगा कि हमें इस कहानी में ये चीज़ अच्छी लगी, ये यहाँ पे सर ऐसा आपको ऐसे नहीं ऐसे बताना चाहिए था। जो भी आपको सुझाव हैं वो भी आप दे सकते हैं, जैसा कि हम और बेहतर आपको देने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की बुक है, स्काईलाइन की बुक, हिंदी सुरभि। और जैसे कि हमने बताया था चैप्टर का नाम है पैसे का बहकावा, चैप्टर नंबर 3 यानी पाठ संख्या 3, पैसे का बहकावा। अब बहुत ही सुंदर कहानी है ये बच्चों। तो देखो पहले हम पाठ लिखा है, पाठ परिचय, यानी इस चैप्टर में है क्या, एक थोड़ा सारांश एक तरह से जैसे संदर्भ कहते हैं वो थोड़ा समझा दें, फिर कहानी पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या है बच्चों, देखो बहुत ही सुंदर कहानी है। आपने विनोबा भावे का नाम सुना होगा, उन्होंने किसी समय में अपने ज़माने में भूदान यज्ञ किया था। भूदान यज्ञ मतलब बहुत से लोगों को ज़मीन दान की थी। आजकल तो एक इंच ज़मीन नहीं देते हैं लोग, अगर यहाँ ईंट लग गई थोड़ी सी तो उसके पीछे लड़ाई हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, पुलिस आ जाती है। और एक वो महान शख्सियत थी जिन्होंने कई एकड़, कह सकते हैं कि बहुत सारी ज़मीन उन्होंने ऐसे दान कर दिए लोगों के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा बताते हैं बच्चों, उसी के संदर्भ में ये कहानी है। लगा इस पाठ में भूदान यज्ञ के दिनों में गांव-गांव जाकर लेखक के जनसंपर्क का विवरण प्राप्त होता है। जनसंपर्क मतलब लोगों से जाकर मिलने का। यह भी पता चलता है कि किस प्रकार मजदूर वर्ग को ज़मीन का असली हकदार बताया गया है। वर्तमान समय में इंसान केवल पैसे के पीछे भागता नजर आता है, ये इस कहानी का सार है बच्चों। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है। देखिए लिखा हुआ है, देखो कि हिंदुस्तान की ज़मीन में इतनी ताकत है। अब देखो हम लोग कितने नसीब वाले, कितने भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, है ना। हिंदुस्तान की ज़मीन में इतनी ताकत है कि भाई हमें भूखा नहीं छोड़ सकती। और हकीकत बात है कि हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, इतने हमारे भंडार भरे हुए हैं, अगर बाई चांस, पहले तो ऐसा होगा नहीं, बाई चांस मान लो अगर साल दो साल अकाल भी पड़ जाएगा ना, तब भी हमारे यहाँ भूख से कोई मरने वाला नहीं है, हमारे इतने अनाज के भंडार हैं। यहाँ कृष्ण, कावेरी, गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के नाम बच्चों आपको याद कर लेने चाहिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, अनाज हैं, फल हैं, तरकारियाँ यानी कि सब्जियाँ, तरकारी माने सब्जी होते बच्चों, तरकारियाँ व मेवे सब कुछ हैं। क्या नहीं है इस धरती पर, क्या नहीं है, सब कुछ यहाँ पैदा होता है, सब कुछ यहाँ उगाया जाता है। परमात्मा ने कितनी उत्तम देन हमें दी है, यानी कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकती। उसने हमें दो हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, हृदय दिया है, उसने हम पर कितना प्रेम बरसाया ईश्वर ने। लेकिन कहते नहीं है जब चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, जब चीज़ हमारे पास से चली जाती है कोई भी हो तब हमें उसका एहसास होता है, तब उसके महत्व का हमें पता चलता है। बच्चों हम पर कितना उपकार किया है, कमी किस चीज़ की है, लेकिन बीच में हम भूल गए और पैसे के बहकावे में आकर भगवान का नाम लेने के बदले पैसे का नाम लेने लगे। प्यारे बच्चों कितनी अच्छी बात इसमें लेखक ने कही है।
और आजकल ये बिल्कुल सेम ऐसे हो रहा है जैसे किसी में बताया गया है। आजकल तो ये होता है कि कोई पड़ोसी भी, पड़ोसी की भी सेवा करता है तो पैसे मांगता है, बोले भैया हमने आपको एक गिलास पानी दिया, भाई 2 रुपये बनते हैं, 2 रुपये दो भाई, है ना। तो आजकल आदमी कितना लालच में आ गया, कितना स्वार्थी हो गया है। बीमार आदमी डॉक्टर से औषधि मांगता है तो डॉक्टर भी उसके बदले पैसे मांगता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में, अब ज़्यादा पहले की बात नहीं है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अब से ज़्यादा 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हुआ करता था। अब कैसा हुआ करता, देखो इससे पहले तो और ही बढ़िया था, इसमें लिखा हुआ है गांव का बढ़ई किसी के घर जो काम निकलता था वो कर देता था, पैसा नहीं मांगता था। साल के अंत में जब फसल होती थी तब हर किसान फसल का एक हिस्सा बढ़ई के घर पहुंचा देता था। प्यारे बच्चों, तो और क्या करते हैं, देखो हमने खुद अपने जीवन में देखा है कि पहले, अब तो हम नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं, पहले गांव-गांव में नाई आया करते थे, उनकी कहते ना छमाही बंधी हुई होती है, तो छमाही बंधी हुआ करती थी, यानी कि हर छमाही वो लोग घर घर से अनाज ले जाया करते थे। तो हम भी बाल कटाने जाते थे, कभी पैसे नहीं जाते थे, बाल कटवाया आए चले आए, छमाही हुई खेत में अनाज होगा और उनका भी हिस्सा उनको दे दिया जाता था। सब ऐसे चलता था पहले, सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। अब आप देखते हो किसी के यहाँ शादी होती है तो हलवाई आते हैं, मार तमाम ताम झाम लेकर आते हैं और कई हज़ार रुपये खाने बनाने के लेकर जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले गांव का ही सब हिसाब किताब हुआ करता था, गांव के ही सब बर्तन, एक बड़ा सा कढ़ैया बड़ी सी खूब, बड़े बड़े बर्तन खाना बनाने के गांव समाज के हुआ करते थे, और लोग मिल बांट के किसी की शादी में खाना बनाते थे और कितना स्वादिष्ट खाना बनता था। सभी आसपास की जो महिलाएं हुआ करती थी, माताएं बहनें, वो पूड़ी बेलती थी, गीत गाया करती थी पूड़ी बेलते समय, कितना उसमें टेस्ट हुआ करता था। लेकिन आज अगर किसी से कह दिया है, किसी बहन से किसी माँ से कह दिया जाए कि चलो हमारे यहाँ हलवाई नहीं कर पाए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप थोड़ा हमारी ये पूड़ी बिलवा देना या हमारा ये काम करवा देना, तो 70 सुनाएंगी, कहेंगी अच्छा तो क्यों शादी कर रहे हैं, क्यों कर ये काम क्यों कर रहा है जो तुम हलवाई ना कर मिलते हो, है ना, ऐसा सुनाएंगी प्यारे बच्चों। लेकिन पहले का हमारा जो समाज था बहुत ही, भले ही शिक्षित कम था लेकिन समझदार बहुत था। और देखो क्या लगा, इसी तरह गांव के चमार, लोहार, वैद्य, शिक्षक आदि गांव की सेवा करते थे और उन्हें फसल का हिस्सा मिल जाता था। किसान के सुख दुख में सबका सुख दुख हो रहता था, सब ये चाहते थे कि भाई किसान की फसल खराब ना हो वरना हमें भी कम मिल पाएगा। लेकिन इन दिनों हर कोई हिसाब करके पैसा मांगता है, बोले साहब 2 घंटा ओवर होगा, 2 घंटा का लग दो, होता नहीं होता ऐसा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, किसी का छप्पर चढ़ना तो सब इकट्ठे होकर छप्पर चढ़वा दिया करते थे, किसी का कोई काम होना तो मिलकर सब काम कर लेते थे। लेकिन आज किसी को भैया 2 मिनट का काम है जरा हाथ लगवा देना तो टनक एक तरफ हो जाएगा, कहले भाई मुझे टाइम नहीं है, चाहे भले मोबाइल चलाता रहे बैठ गए लेकिन आपके काम में नहीं जाएगा। लेकिन पहले जिस तरह चलता था उससे गांव सुखी था। गांव के ज़मीन का कोई मालिक नहीं ना रहे, ज़मीन सबकी हो जाए, सब मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की सेवा करें तो सभी सुखी होंगे। किसी खेत में कोई काम निकलेगा, कहीं कुआं बनना होगा तो सब मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे, ऐसा हुआ करता था। किसी के खेत में काम कम फसल होगी तो सब लोग उसे अपनी फसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देंगे। लेकिन आजकल अगर किसी का अनाज फसल ख़राब हो जाए, अब वो अगर मांगने भी जाए, बोले भैया हमारा अनाज कम हुआ है, ज़रा हमें 2-4 किलो या 10 किलो 5 किलो थोड़ा हमें गेहूँ दे दो या चावल दे दो, तो पता है वो हिसाब लगा लेगा कितने रुपये क्विंटल बिक रहा है, इसके कितने पैसे हुए, बोले भाई इतने पैसे हुए कब तक दे दोगे, वो नहीं सोचेगा इसको परेशानी बेचारे को, चलो पैसे ना मांगे बाद में ही कह लेंगे, भले लेंगे लेकिन चलो बाद में कह लेंगे, लेकिन पहले को पैसे को पहले कह देगा। पहली बात तो दिनेश इनकार करेगा उधार, बोले भैया हमारे पास नहीं है। लेकिन बच्चों पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले सब ऐसी हेल्प करते थे, मदद करते थे। जब हम इस तरह गाँव को परिवार बनाकर रहेंगे तो भगवान खुश होंगे, कितनी अच्छी बात है बच्चों। लेकिन हमें इस कहानी से बच्चों सीखना चाहिए कि हमें इसी तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने विद्यालय में भी, समाज में भी, गांव में भी। अंग्रेज़ों की मिल्कियत गई तो भगवान खुश हुआ, यानी अंग्रेज हमारे यहाँ मालिक बनकर रहते, हमारा देश आज़ाद हुआ तो ईश्वर खुश हुआ। राजा महाराजाओं की मिल्कियत गई तो भगवान खुश हुआ, पहले राजा महाराजा अपने कब्जे में रखते थे सारी ज़मीन सारा राज, और वहाँ पर जो जनता हुआ करती थी नौकरी की भांति काम किया करती थी। अब छोटे छोटे मालिक भी अपनी मिल्कियत छोड़ दें, अब छोटे छोटे मालिक बन गए और परमेश्वर की भक्ति में लग जाएं,
कितनी अच्छी बात हो, यह कोई ज़बरदस्ती करने की बात नहीं, परस्पर यानी आपसी प्रेम से एक दूसरे को समझा बुझाकर यानी मजा बजाकर करने की बात है। कितनी अच्छी बात इसमें कवि ने लिखी है, लेखक ने लिखी है। आज कुछ ज़मीन के मालिक बन बैठे हैं, बाकी से मटिया मजदूर हैं बेचारे। मटिया मजदूर माने दैनिक मजदूर, लेकिन ये जो मटिया मजदूर हैं बेही मूल हैं, यानी कि बेही जड़ हैं। अगर कोई किसी के काम में ना आए, मजदूर मजदूरी करना छोड़ दें, तो इन जो ज़मींदार बैठे बन के बैठे हुए हैं, इनका काम कैसे चलेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी, है कि नहीं। लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो जड़ हैं, जो बुनियाद हैं उस चीज़ की, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता है। वे ही बुनियाद हैं, जो मजदूर हैं वही बुनियाद हैं, वे काम करते हैं। अगर वे काम नहीं करेंगे तो फसल कैसे पैदा होगी। इसलिए जिन्हें हम मुठिया कहते हैं या मुठिया मजदूर कहते हैं, उनका भी ज़मीन पर उतना ही हक है जितना मालिक कहलाने वालों का है। गांव-गांव जाकर हम यही बात समझाते हैं, लेखक कह रहे हैं विनोबा भावे जी, कि यही बात समझाते हैं कि तुम सब एक हो जाओ और मिल बाँट कर खाओ, तब सब सुखी रहेंगे। सब मिलजुल कर काम करो और एक दूसरे की सेवा करो। भगवान ने काम करने के लिए हमें दो हाथ दिए हैं, फिर मुश्किल क्या है, काम करिए। भगवान ने हमें एक छोटा सा मुंह दिया है, अगर रावण जैसे 10 मुंह दिए होते तो हमारी क्या हालत होती, तब तो हमें पेटी नहीं मिलता। एक को दिक्कत हो रही है तो 10 को कैसे खिलाते, है कि नहीं। लेकिन भगवान ने हमें 10 मुंह वाला राक्षस नहीं बनाया, लेकिन ये शहर के लोग राक्षस होते हैं। वे अपने पास 10 लोगों का नाम रख लेते हैं। कुछ ऐसे व्यापारी लोग होते हैं जो जब सीजन होता है तो बहुत सारा अनाज खरीद कर गोदाम में भर लेते हैं, भले चाहे किसान को मिले या ना मिले। उनको धन का इतना लोभ होता है, इतना लालच होता है कि उसका ढेर जमा करके रखते हैं, लेकिन एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। बच्चों जैसी आंखें मिचती हैं, कहने का मतलब जब अंत समय आता है, जब प्राण निकलने को होते हैं, जब यमराज आना आ जाते हैं लेने के लिए, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, कुछ भी साथ नहीं जाता है। यहाँ तक कि शरीर में हम रहते हैं शुरू से अंत तक, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो काय का गर्व, काय का लाज, काय का लोभ, है ना, काय की जमा पूंजी क्या कर लोगे। अगर हम इसी तरह चलेंगे तो कभी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको लालच रहेगा, अरे ये ले लो कि वो ले लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, ये मकान, वो नौकरी, ये नौकरी, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा दिमाग घुसा रहता है और उसी में हम फंसे रहते हैं, कभी अपने अंदर सुख अनुभव नहीं कर पाते हैं। और सुखी तब रहते हैं जब हमारे अंदर कोई लालच नहीं होता है। तो आगे देखो और लाइनें लिखी हैं लेखक ने, जब हम अपने हाथों से काम और दूसरों की सेवा करेंगे तभी सुखी होंगे। आप, यह मेरा निजी अनुभव है, आप कभी किसी की सेवा करके देखिए, किसी की मदद करके देखिए, आपको अंदर से कितना सुख, कितना आनंद आएगा। लेकिन आज तो हम अपने हाथों का उपयोग छीनने में करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना। प्यारे पड़ोसी के दो हाथ हैं और हमारे दो हाथ मिलकर काम करेंगे तो सबको खाना मिलेगा, यानी दो उनके तो हमारे चार हाथ होगा, कितना काम होगा। लेकिन आजकल मिलाप किस में है, सब तो आपाधापी में है, सब अपनी अपनी में है, छीना झपटी में है। लेकिन आज हमारे दो हाथ उसके दो हाथ को काटते हैं और उसके दो हाथ हमारे हाथों काटने पर लगे रहते हैं, इसलिए हम सब दुखी हैं। इसी से हम आपको समझाते हैं कि आप एक बन जाइएगा, तभी इस संसार का, इस दुनिया का, हमारे देश का भला होगा और तभी हम सुखी रहेंगे, तभी हमें आनंद आएगा, तभी जीने का मकसद हमें पता लगेगा। बच्चों, तो प्यारे बच्चों कितनी अच्छी कहानी है इसकी। अगर आप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, मेरी आपसे ये दुआ भी रहती है कि आप अच्छे आदमी बने, खूब बड़े आदमी बने, लेकिन कभी ऐसे आदमी ना बने कि जो दूसरे को दुख देने वाले हों, दूसरे के हक को छीनने वाले हों। आप पैसा वाले बनिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़िम्मेदार बनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे की मदद करने का आपके अंदर, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, दूसरे की हेल्प करने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए, जिससे कि वो भी बेचारा सुखी रहे और हम भी सुखी रहें, वो हमें दुआ दे जिससे हमें और सुख मिले, आनंद की प्राप्ति हो, भगवान का भजन करते हुए हमारा ये जीवन कटे। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छी अच्छी जो सीख है वो मिली होगी, और इसी तरह से हम और भी आपको कहानियाँ और भी अच्छे चैप्टर आपको लेकर आते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और इसके लिए आपको हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस चैनल को और इस चैनल के माध्यम से और लोगों को फ़ायदा मिले इसलिए इसको शेयर भी करना होगा। और अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिख के भेजिएगा, अपने सुझाव भी लिख के भेजिएगा, जिससे हम और भी सुधार करें। और अगर आपकी कोई
क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं इस चैप्टर के बारे में या जो भी हम पढ़ाते हैं उसके बारे में, तो आप कोई प्रश्न भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उनके जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि आपकी वो समस्या दूर हो सके। और आने वाली वीडियो तक हमारे साथ बने रहेगा, इस चैनल के साथ में, फिर से हम बताते हैं आर पीपल जोड़ी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।